नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज टॉक पर। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी और ताजा खबरें। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। उत्तराखंड में रोजगार मेले पर प्रधानमंत्री मोदी बोले, अब युवाओं को अपने प्रदेश में ही मिल रहा रोजगार, यह व्यापक बदलाव का क्षण। जो बाइडेन के यूक्रेन दौरे के एक दिन बाद रूसी संसद में राष्ट्रपति पुतिन का संबोधन, पुतिन ने कहा हम बातचीत से चाहते हैं हल। कर्नाटक में नड्डा बोले, कांग्रेस शिवसेना वंशवादी, प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को निकालने के लिए यूक्रेन युद्ध रुकवाया। लाहौर में बैठ जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, बोले आपके यहां घूम रहे 26/11 के हमलावर। पूर्वोत्तर से कुछ समय बाद हट सकता है अफ्सा कानून, गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड से दिया बड़ा बयान। बागेश्वर धाम कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के भाई पर भी FIR, शादी समारोह में लहराई थी बंदूक, दलित परिवार को पीटा था। सिरसा में डबवाली, कालमवली, तख्तमल और मलिंका में NIA ने की रेड, सिरसा पुलिस की 5 टीमें भी रही साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने की ऑपरेशन दोस्त की तारीफ, भूकंप प्रभावित तुर्की से लौटे बचाव दल के जाबाजों से की बात। तेलंगाना में BJP के खिलाफ एकजुट हुई BRS, AIMIM हैदराबाद निकाय चुनाव में OBC के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे KCR। वहीं भारत का UPI सिंगापुर के पे नाउ से जुड़ा बड़ी खबर। यूरोपीय संघ ने भारत की G20 अध्यक्षता पर जताया भरोसा, कहा यहीं से रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकलने की उम्मीद। अडानी पोर्ट्स 1,000 करोड़ रुपए के ऋण का करेगा समय पूर्व भुगतान। जो बाइडेन के अचानक यूक्रेन दौरे से गदगद हुए जेलेंस्की, बोले इससे हम जीत के और करीब पहुंचेंगे। उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट से चीन, जापान में रेडिएशन का खतरा, 10 लाख लोग हो सकते हैं प्रभावित। उद्धव ठाकरे गुट को एक और बड़ा झटका, संसद में शिवसेना को आवंटित ऑफिस पर सिंधे गुट का कब्जा। यूफ्लेक्स पैकेजिंग कंपनी पर देश भर में 64 ठिकानों पर छापेमारी, आयकर विभाग कर रही कार्यवाही। वहीं मुख्यमंत्री शिंदे ने बुलाई शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, ले सकते हैं बड़ा फैसला। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में 5वीं बार सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, 23 को चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है सामना। सीएम योगी है बाहरी मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव ने दी सीएम योगी को नसीहत। सरकार ने शत्रु संपत्तियों से 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जुटाई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर पवन खेड़ा के बयान पर विवाद जारी, असम के मुख्यमंत्री बोले मैंने कोई गलती नहीं की। जुनेद नासिर भिवानी मर्डर मामले पर बड़ा खुलासा, हरियाणा पुलिस के मुखबिर थे मुस्लिम भाइयों के हत्यारे। भूकंप पीड़ित तुर्की से स्वदेश लौटी सेना की मेडिकल टीम का स्वागत, आर्मी चीफ ने जमकर की तारीफ। वहीं मेघालय इलेक्शन में एक्टर और भाजपा सांसद रवि किशन बोले मेघालय में खुलेगी फिल्म सिटी, हर ओर BJP की लहर। खालिस्तानी समर्थक की सहा को धमकी, इंदिरा जैसा होगा हाल। 7 राज्यों के 70 से ज्यादा ठिकानों पर NIA की छापेमारी, गैंगस्टर क्राइम सिंडिकेट केस से जुड़ी है जांच। प्रधानमंत्री मोदी पर बयान देना कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को पड़ गया भारी, वाराणसी और लखनऊ में भी दर्ज FIR। सेना की जवान के मौत का मामला, एक सप्ताह बाद भी DMK ने जारी नहीं किया बयान, तमिलनाडु भाजपा ने किया भूख हड़ताल का ऐलान। मुस्लिम
मुहिमों में पेट के लिए देश भर में संपर्क अभियान चलाएगी भाजपा, प्रधानमंत्री करेंगे निगरानी। गेहूं की फसल पर बढ़ती गर्मी के असर के आकलन के लिए बनाई समिति, किसानों को सुझाएगी उपाय। वहीं जेडीयू के वोट बैंक और विरासत पर कुशवाहा की नजर, आरजेडी की दोस्ती से नाराज नेताओं को साधने की चलाएंगे मुहिम। बड़ी खबर, बाघ संरक्षण की तर्ज पर गिद्धों को बचाया जाएगा, पराली जलाने पर रोक के लिए वित्तीय सहायता जारी। नागालैंड में अमित शाह बोले, पीएम ने पूर्वोत्तर में विकास के नए युग की शुरुआत की, नगा शांति वार्ता को बनाएंगे सफल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नफरत ही सभी धर्मों की साझा दुश्मन, मन से इसे हटाए, महान सभ्यता का मोल न करे कम। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र, कहा श्रीलंकाई लोगों ने भारतीय मछुआरों पर किया हमला। सीएम अशोक चौहान ने खुद की जासूसी कराए जाने का किया दावा, जालसाजी का आरोप लगाया। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मेरे घर पर हमला करने वाले लोग नथू राम गोडसे की विचारधारा में करते हैं विश्वास। तेलंगाना भाजपा से निलंबित विधायक टी राजा सिंह का दावा, मुझे मारने की दी गई धमकी, पाकिस्तान से भी आया फोन। बच्चे करेंगे जादुई पिटारा पढ़ाई, केंद्रीय मंत्री ने एनईपी 2020 के तहत बाल वाटिका को किया लॉन्च। वहीं पुलिस ने पकड़ी नशीले पदार्थ की बड़ी खेप, 25 करोड़ की हेरोइन जब्त, दो गिरफ्तार। चेन्नई कस्टम के अधिकारियों ने 1.21 करोड़ रुपए का सोना किया जब्त, आरोपियों से की जा रही पूछताछ। महाराष्ट्र में 10 लाख के दो इनामी नक्सली हैदराबाद में गिरफ्तार, 2006 से गढ़चिरौली पुलिस को दे रहे थे चकमा। अडानी मसले पर राहुल ने वीडियो जारी कर साधा केंद्र सरकार पर निशाना, सुनाई मित्र काल की कहानी। भारत में कोई भी उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं करता वोट, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। जम्मू में खुलेगा एनएसडी का शिक्षा केंद्र, गौरवशाली रंगमंच संस्कृति से परिचित होंगे छात्र। वहीं सुषमा स्वराज के सहारे महिला मतदाताओं में पेट बढ़ाएगी बीजेपी, शुरू होगा विशेष कमल मित्र अभियान। विपक्ष के 12 सांसदों के खिलाफ संसदीय समिति करेगी जांच, सभापति के वेल में पहुंचकर की थी नारेबाजी। सीएम योगी व नेता प्रतिपक्ष ने दिवंगत सदस्यों को दी श्रद्धांजलि, कार्यवाही स्थगित। बड़ी खबर, चार धामों में श्रद्धालुओं की संख्या पर आज हो सकता है फैसला, सीएम धामी लेंगे बैठक। हिमाचल की सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, निलंबन के बाद हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग किया भंग। 17 मार्च को पेश होगा हिमाचल की सुक्खू सरकार का पहला बजट, कार्यसूची जारी। कश्मीर घाटी के 5 जिलों में एसआईए का छापा, नार्को आतंकवाद मामले में की जा रही पूछताछ। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं, धन्यवाद।